दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लगभग हर वक्त कहीं न कहीं चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है। इससे न केवल विकास प्रक्रिया पर असर होता है बल्कि आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है। चुनावों को एक साथ कराने की मांग अलग अलग समय पर उठती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर चुनावों को एक साथ कराए जाने की मांग कर चुके हैं। एक चुनाव पूरा हुआ नहीं कि दूसरा आया नहीं, दूसरा पूरा हुआ तीसरा आया नहीं। सरकार में भी राजनीतिक दल के लोग ही बैठे हैं, चुनावी राजनीतिक दल ही लड़ते हैं, तो स्वाभाविक है उनकी शक्ति डिवाइड होती है, जिससे देश का नुकसान होता ही होता है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे कुछ तो ध्यान देना पड़ेगा चुनाव आएगा तो। छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठतम मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करते हुए कहा कि यदि सभी चुनाव एक समय अवधि में करा लिया जाए तो निश्चय ही धन बल सभी का संचय होगा। निश्चित रूप से देश में बार बार और राज्यों में बार बार चुनाव होते हैं, कहीं पर विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, फिर लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव अलग होते हैं, और इन चुनाव के कारण साल भर सरकारें चुनाव मोड में होती हैं, जिसके कारण डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं। और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इस मत की रही है कि सभी चुनाव एक साथ होने चाहिए, और सभी चुनाव एक साथ होंगे तो देश का विकास तेजी से होगा। और इसलिए मोदी जी पहले दिन से, जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने और चुनाव अभियान में थे, उन्होंने चिंता देश के विकास की, देश की तरक्की की, देश में बदलाव की सोच की। और जो मोदी जी ने कहा है कि लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव एक साथ होने चाहिए, निश्चित रूप से ये उनका सोच और ये उनका सुझाव जो है, ये देश के विकास के लिए बहुत अच्छा सुझाव है। 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के लिए करीब 14 लाख नए ईवीएम की जरूरत होगी। सरकार ने चुनाव आयोग को इस संबंध में 1009 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।